मेरे अंतिम शब्द बुद्ध। आप मानो न मानो, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई थी। मुझे समझ आ ही गया था कि वो मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। उस समय 25 वर्षों से मेरे साथ रह रहा मेरा शिष्य आनंद भी मेरे साथ था। निश्चित ही मेरी ये हालत देख वो बहुत दुखी हो गया था। इधर उसका ये हाल देख मैं आश्चर्यचकित था कि यदि उसे सिर्फ मेरी संभावित मृत्यु से इस कदर दुख पकड़ रहा है तो फिर उसने जीवन भर मुझसे सीखा क्या। मेरे साथ 25 वर्ष रहने वाले शिष्य तक का यदि दुख से छुटकारा नहीं हुआ है तो फिर बाकियों ने मुझसे क्या ग्रहण किया होगा। और मजा ये कि अभी मैं इस आश्चर्य से बाहर आया भी नहीं था कि आनंद ने मुझे दूसरे आश्रम में डाल दिया। उसने मुझसे पूछा, मुझे ऐसा सत्य दीजिए कि मेरा हमेशा के लिए उद्धार हो जाए। अब मैंने क्या जीवन भर असत्य कहा था जो अंतिम वक्त कोई महान सत्य अपने प्रिय शिष्य को देकर जाता। और फिर मैं किसी को सत्य देने वाला कौन, मैं तो सिर्फ राह दिखा सकता हूं। बाकी तो सही मार्ग पर चलकर सत्य मनुष्य को स्वयं पाना होता है। किसी मनुष्य के पास किसी को कुछ देने की या किसी से कुछ छीनने की क्षमता ही कहां होती है। सो मैंने उससे कहा, भाई आनंद, अपदीपो भव, यानी अपने दीप स्वयं बनो। अब जब मैं साक्षात था तब भी मेरे अंतिम शब्द यही थे और आज 2500 वर्ष बाद भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अपदीपो भव, यानी अपने दिए स्वयं बनो। और सच कहूं तो ये मेरे मुख से निकले तमाम शब्दों और व्यवहारों का सार है। मैं दावे से कहता हूं कि यदि आप इसे गांठ बांध लेंगे तो आपका तत्क्षण उद्धार हो जाएगा। मुझे राह दिखानी थी तो दिखाकर चला गया। अब उस राह पर चलकर अपना सत्य आपको पाना है। इसमें मैं कुछ और नहीं कर सकता। सोचो ये कि जब मैं साक्षात था तब कुछ नहीं कर सकता था, तो अब मेरी मूर्तियां या मेरे जैसे वस्त्र पहनना क्या कर लेगा। सो इन सब नौटंकियों से छूटो और स्वयं को भ्रम में डालने से बचो। सीधे सीधे मेरे बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का सत्य खोजने में लग जाओ। विश्वास जानो कि अपने द्वारा अपना उद्धार करने के अलावा तुम्हारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं। आपको अपना दीप बनकर अपने को रोशन स्वयं ही करना पड़ेगा। भवनन, तो जैसा कि ये वैसाख वीक चल रहा है, बुद्ध पूर्णिमा, वैसाख पूर्णिमा जो 5 मई को आने वाला 2 मई हो चुका है, और अभी हम बुद्ध के टीचिंग्स पर ही बात कर रहे हैं और आनापाना सति ध्यान और भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम समझ रहे हैं। तो जैसा कि आज सुबह के विशेषण में हमने जाना था, गौतम सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध की जर्नी कैसे तक कैसे वो बुद्ध बने, तो आज उनका एक जो अंतिम उपदेश है, अपो दीपो भव, भगवान गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश, ये लाइन, ये शब्द उन्होंने कहा, अपो दीपो भव। तो इसको थोड़ा हम समझेंगे। इसका मतलब तो यही कि अपना दीपक, अपना दिया खुद जलाओ, अपनी अपने आप को रोशन खुद करो। तो हुआ क्या, जब भगवान गौतम बुद्ध 35 साल की उम्र में ही वे ज्ञान प्राप्ति कर चुके थे, अपने बुद्धत्व को पा चुके थे, और उसके बाद और भी जब वे 40 साल तक उन्होंने अपने ज्ञान को हर जगह लोगों को प्रकाशित किया, और उनके बहुत सारे भिक्षु के जो संघ बन चुके थे, बहुत सारे शिष्य बन चुके थे, और वैसे ही आनंद नाम का जो उनका जो एक परम शिष्य था, एक खास शिष्य था, और वो हर वक्त उनके साथ में ही रहता था, उन्हीं के साथ खाना, चलना, उठना, बैठना, सोना, उनके साथ हर पल रहता था। अब क्या हुआ, जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय भी तय कर ही लिया था कि इस पूर्णिमा की रात में, वैसाख पूर्णिमा जो आने वाली है, और उसके अंतिम पहर तक मैं ये शरीर को त्याग दूंगा,
तो जब ऐसा तय हो चुका था, कह चुके थे वे, और उनके शिष्य भी समझ रहे थे कि उन्होंने कह दिया है ये बात, तो ये बात सच ही होगी। और खुशी नगर नामक जो जगह है वहां पर, उस जगह में से जब वहां से उस नगर से वे जा रहे थे और उनकी फिर तबीयत खराब होती है। दो दो पेड़ों के बीच में उनके जो एक उनका बेड लगाया जाता है और वे वहां पर लेट जाते हैं और बीमार रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो आनंद, और उनके बिच्छू सभी बहुत दुखी थे, उदास थे, लेकिन आनंद बहुत रो रहे थे और इतने दुखी थे। वे कह रहे थे कि अब क्या होगा मेरा आप। तो वो उतना इतनी दुखी देखकर भगवान गौतम बुद्ध को बड़ा आश्चर्य होता है और वे देखते हैं कि ये मेरा जो संभावित मृत्यु हो रहा है, अभी मेरे सिर्फ शरीर की मृत्यु हो रही है, उसमें जो ये हर वक्त जो मेरे से मेरा खास से जो मेरे साथ रहा है, उसने सब कुछ मुझसे सीखा है जाना है, अभी वो इतना दुख कर रहा है, विलाप कर रहा है, सिर्फ मेरे शरीर की मृत्यु हो रही है उसमें, तो इतने समय तक सीखा क्या उसने मुझसे, और जब इसकी ये हालत है तो बाकी शिष्यों ने क्या सीखा होगा मुझसे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तभी तभी एक और आश्चर्यजनक बात ही होती है कि वो पूछते हैं फिर जो रोते हुए यहाँ पे आनंद, कि मुझे कुछ ऐसा सत्य दीजिए कि जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। वो बोल रहे हैं कि आप जा रहे हैं, एक तो आप कैसे चले जाओगे, मैं कैसे रहूंगा, ये वो, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो मुझे कुछ एक ऐसा सत्य देकर जाइए जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। एक तरह से वो क्या कह रहे हैं कि मुझे भी एनलाइटमेंट करके जाइए। तो वो बोलते हैं, फिर तब भगवान गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, बाकी मनुष्य को उस राह पर चल करके सत्य खुद ही पाना होगा। सत्य, वो कह रहे हैं मुझे सत्य की राह दिखा दीजिए, उद्धार बता दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। तब बोल रहे, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ और मैं तो रास्ता दिखा भी चुका हूँ, तो अब चलना खुद को पड़ेगा और अपने आप को रोशन करना पड़ेगा, अपने सत्य को खुद ही जान सकते हैं। तो यहाँ पर यही अंतिम उपदेश वो यही कहकर जाते हैं आनंद से, अपो दीपो भव। तो इसे अब हम और थोड़ा समझे। अब ये जो लाइन है, इसको भी बहुत लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं कि अपना दीपक खुद खुद जलो, अपना गुरु खुद बनो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई नए नए शिष्य होते हैं और इस चीज को अगर पकड़ लेते हैं, इस बात को कि आप ही अपने गुरु हो, आप ही अपना खुद ही रोशन करो, तो कहीं ना कहीं वे शायद वे भटक जाएं या उस जगह नहीं पहुंच पाए। तो ये गुरु के आखिरी शब्द होने चाहिए। जब एक शिष्य गुरु से बहुत कुछ सीखा है, जाना है, अब वो कहते हैं कि अब अपना तुम आगे बढ़ो, अपना जीवन का खुद ही उद्धार करो, तो ये जो आखिरी शब्द होने चाहिए गुरु के, एक शिष्य को भी अपने गुरु से ये समझना चाहिए आखिर, कि ये जो कुछ उन्होंने देना था दे दिया और अब वे कह रहे हैं कि अब तुम खुद आगे बढ़ो। तो यहाँ पर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें तो गुरु की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही अपना खुद ही खुद को रोशन कर सकते हैं। गुरु का मतलब क्या है यहाँ पर, गु प्लस रू, गु मतलब जो कि अंधेरा और रू मतलब रोशनी, जो अंधकार से रोशनी में लाने वाला गुरु, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ लेकर जाने वाला गुरु होता है। तो जो आनंद 40 साल तक बुद्ध की रोशनी उसे मिलती रही, 40 साल तक वे बुद्ध के साथ में रहे, उनकी रोशनी में वे रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो नहीं प्रकाशित हो पाए, वो उन पर डिपेंडेंट है और अब उन्हें लग रहा है कि क्या होगा। तो वही चीज फिर से कि गुरु ने रास्ता दिखा दिया, मार्ग बतला दिया है, अब उस पर चलना खुद को है। अब यहाँ अपो दीपो भव से और हम समझें कि गुरु का साथ हमें चाहिए। हम अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते, चाहे अगर हम बचपन से भी अगर हम पढ़ रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, गुरु है, गुरु ने बताया, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं कुछ कर कुछ गलती करते हैं तो गुरु ही उसे रेक्टिफाई करता है या वो, तो उसी तरीके से हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी आते हैं तो जरूर एक गुरु का साथ होना चाहिए, लेकिन उस साथ को बंधन नहीं बनाना चाहिए, उस साथ को हमें बंधन नहीं बना लेना चाहिए। और ये भी है कि ऐसा नहीं कि गुरु की जरूरत नहीं, और
ऐसा भी नहीं है कि गुरु नहीं है तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत से लोग होते हैं सहज समाधि, अपने आपको बस थोड़ा बहुत भी जाना कि हाँ ध्यान है, ऐसे है, और वो ध्यान करते करते सहज समाधि उनकी घटित हो जाती, वे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज को हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं वो कितने जन्मों का ध्यानी होगा, कितने जन्मों का वो योगी होगा, कितने पहले के जन्मों में उसने बहुत सारे अध्ययन भी किए होंगे, तो इस जन्म में अचानक से उसका वो जितना तक जिस चैप्टर में से बंद हुआ था, अगले जन्म में उसी उस चैप्टर के बाद से उसका वो किताब खुला है, और उसके बाद से उसकी तो वहां तक की जर्नी वो फटाफट फिर से इस जन्म में भी कंप्लीट कर लेता है। तो इसीलिए कभी किसी से कंपैरिजन नहीं, और कभी ये भी नहीं कि बस हम तो खुद ही अपने गुरु हैं। जरूर है हमारे भीतर अपना गुरु, लेकिन जब अगर नहीं मार्ग सही दिख रहा है तो जरूर एक गुरु का सहारा लेना चाहिए, पर सिर्फ उन्हीं पर डिपेंडेंट रहें, और वो ही मेरे को कुछ सर पे हाथ रख देंगे और माथा पे यहाँ पे थर्ड आई में दबा देंगे छू करके तो हम एनलाइटेंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं। उस वे चलना खुद को पड़ेगा, उस राह में वहां तक पहुंचना खुद को पड़ेगा, वो मंजिल तय करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा एक और चीज यहाँ पर हम समझते हैं कि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको किसी का साथ मिलेगा तो ही हम आगे जाएंगे। जैसे अभी बहुत सारे स्पिरिचुअल रिट्रीट होते हैं, सेमिनार होते हैं, कहीं दूसरे जगह हमें पता चलता है कोई गुरु आया है, वहां पर कोई शिविर लग रहा है, हम जाना चाहते हैं, हम खोजी हैं, हम अंदर से और भी जिज्ञासु बनकर पाना चाहते हैं, लेकिन लगता है हम अकेले कैसे जाएंगे, हमें कोई का साथ मिल जाता तो अच्छा रहता। तो फिर क्या हो गया, हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम अगर किसी का साथ ढूंढते रह जाएंगे तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भी वही कहा जाता है। आज मान लीजिए अभी है कि मैं भी बौद्धि बुद्ध पूर्णिमा में बौद्धिया लेकर के जा रही हूँ, अपने हमारे ग्रुप के मेंबर्स जा रहे हैं। पहले ये था कि मेरे हस्बैंड मेरे को गाड़ी में लेकर जाएंगे, कुछ कारण से उनका कैंसिल हो गया, वो नहीं जा पाएंगे, उनको कुछ काम आ गया, तो ठीक है अकेले जाना है ये, तो फिर भी चलो कि मैं अकेले और मेरे संग और भी ग्रुप के लोग जा रहे हैं। लेकिन मेरी जर्नी भी इसी तरीके से हुई थी, कभी घर से बाहर अकेले निकली नहीं। और पिरामिड वैली में जब आज से 10 साल पहले की बात है, और अकेले जाना था, मुझे पता चला एक पिरामिड बोल के सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, जो कभी अकेले कहीं गई नहीं। पर अब सबको नहीं इंटरेस्ट आएगा ना, सब तो नहीं जाएंगे ना कि हाँ ठीक है चलो तुम्हारा साथ देने के लिए हम भी किसी स्पिरिचुअल प्लेस में और मेडिटेशन सीखने चलते हैं, लेकिन तो वैसे जगह में खुद को जाना पड़ेगा। तो बस सीखना है, पहुंचना है, जाना है, तो चल दिया, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना अकेले। और जिस दिन अकेले अपनी कंपनी में एंजॉय करने लग गए, जिस दिन अपने आप से दोस्ती हो गई, तो दोबारे साथ किसी का नहीं खोजेंगे। तो मेरी भी जर्नी इसी तरीके से शुरू हुई, अकेले का खुद का साथ, खुद के साथ के साथ। जब मैं वहां पर गई, और मैं जबकि उस समय बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं नहीं बोलती थी ज्यादा किसी से, किसी के सामने जैसे लोग होते हैं कि फटाफट बोलते हैं, बातें करते, एक दूसरे से तुरंत दोस्ती कर देते, वो मेरा नेचर नहीं था, बहुत शाई। और ऐसे जगह में अकेले जाना, ट्रैवल करना, और उस जगह में भी सब अननोन है, किसी को नहीं जानती। जब नहीं जानती तो क्या होता था, मैं अपने आप से वहां पर बात करती थी, ठीक है, जितना क्लास अटेंड किया, जितना ब्रेक टाइम है, तो अकेले मैं वहां पर उस नेचर में, प्रकृति में घूम रही हूँ फ्री टाइम में, और खुद से बात कर रही हूँ, उस फूलों से बात कर रही हूँ, उस नेचर को देख रही हूँ, उस पत्थर पे बैठ रही हूँ, उससे बात। तो वो मेरे लाइफ का जो फर्स्ट ट्रिप था, अकेले सोलो ट्रिप, वो मेरा अपने आप से दोस्ती हुई। तो ये जस्ट मैं कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन ये है कि हम किसी न किसी का सहारा ढूंढते हैं, जब अपना सहारा खुद बन जाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो जब पहली बार अपने आप से फ्रेंडशिप हुई, और तब से लेकर आज तक कभी मुड़के ये नहीं देखना पड़ा कि मेरे साथ कोई जाएगा क्या, मैं अकेले हो जाऊंगी क्या, मैं किसी को जानती नहीं। आप अगर ऐसा थॉट लाते तो आप वहीं रह जाएंगे। और जब अपने आप से कि बस ठीक है मैं हूं ना, आज ही दिन में एक किसी एक लेडी से बात हुई, तो वो बोली आने का बहुत मन है, पटना से सुनीता जी थी, वो बोली बहुत आने का मन है, लेकिन मेरा ये वीकनेस है कि मैं अकेले नहीं जा सकती। तो मैं उनको यही बोली कि शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, एक बार शुरुआत करके देखिए। तो अब यहाँ पर एक स्टोरी है अपोदीपो भव से,
जिसमें कि ये पूरी जो समझने की बात है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ। एक बार दो दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त से किसी उनको जंगल पार करना था और रात की समय थी, रात की बात थी बहुत पहले की। तो उनके पास, एक दोस्त के पास मशाल होता है, लांटेन होता है जो कि, तो वो तो दूसरा दोस्त क्या सोचता है कि हम दोनों को साथ में तो जाना है, ये रास्ता जंगल जो अंधेरा पार करना है, तो एक के पास तो है ही लांटेन, तो मैं क्यों लूं। तो ऐसा सोचकर वो उसके साथ में अपना खुद की वो नहीं लिया कुछ भी और चला गया उसके साथ में। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद जिसके हाथ में लालटेन था, जिसके हाथ में मशाल थी, वो क्या कहता है, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना इससे आगे, अब मैं यहाँ पर ही से मैं वापस लौटना चाहता हूं। अब क्या हुआ, दूसरे दोस्त ने जिसने अपना मशाल नहीं लिया था उस, अब वो क्या हुआ, कहीं का नहीं रहा ना, वो पीछे जा सकता है क्योंकि उसको पीछे लौटना नहीं था, वो आगे जाना चाहता था, पर वो डिपेंड हो गया कि उसके दोस्त के हाथ में है ना मशाल। लेकिन अब वो कहीं का ना रहा, ना वो आगे जा सकता अंधेरे में, ना उसके साथ वो पीछे जा सकता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, यही कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे अपनी जर्नी में आगे जाने के लिए। तो अपनी रोशनी खुद को पैदा करना है, खुद को अपने उस लायक बनाना है, उस काबिल या उस तरीके से कि हम आगे, मुझे बढ़ना है, चलना है इस मार्ग में, हम फौजी बनकर जा रहे हैं तो हम किसी का सहारा लेकर नहीं बैठे रहेंगे। और गुरु जीवन में जरूर चाहिए, लेकिन हम सिर्फ गुरु पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि बस वो ही, अब वो चले गए तो बस अब मेरा क्या, या फिर वो बताएंगे जब तक हाथ पकड़ के लेके जाएंगे उसी रास्ते तक, उतना ही कदम हम चल पाएंगे, उनके बिना तो हम आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कब रास्ता अलग हो जाएगा नहीं जानते, कब मौत आ जाएगी नहीं जानते, नहीं पता, फिर अंधेरे में खो जाएंगे, फिर वही अंधेरे में कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे, वापस वो जर्नी हमारी रुक जाएगी। तो गुरु की, तो यही बताते हैं कि गुरु की रोशनी को अपनी रोशनी मत समझ लेना, और ये समझाना, अपने आप को ये समझना होगा कि अंत तक पहुंचना होगा अकेले ही, अकेले ही पहुंचना होगा वो अंत तक, और एकांत में ही घटेगा वो जो घटित होगा। जैसे हम आज सुबह भी जान रहे थे ना कि जब भगवान गौतम बुद्ध ने, वो भी 6 साल तक बहुत सारे गुरुओं के पास गए करे, लास्ट में उन्होंने अपने साथ फिर वो बैठे, उन्हें अपने आप में उन्होंने प्रण लिया, वो अकेले उस पेड़ के नीचे बैठ कर कि जब तक अब बुद्धत्व नहीं प्राप्त होता मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं उठूंगा। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली, सभी देव जने आए देवलोक से और वे पूछते हैं आपको क्या मिला, आपने क्या जाना, हमें भी बताएं। तो उन्होंने कहा, क्या मुझे कुछ नहीं मिला। फिर और पूछने पर वे कहते हैं मिला हुआ ही था, मैंने सिर्फ उसे जाना है। कैसे जाना, वो ही अकेले में बैठकर ध्यान में। तो यहाँ पर भी है कि हमें ये बात समझना होगा, हम किसका साथ ढूंढ रहे हैं, वो अंत तक भी अकेले ही पहुंचना है और उसी एकांत में, उसी अकेलेपन में ही वो घटित होगा, जो हमें मिला हुआ ही हम जानेंगे, और जो घटित होगा वो भी एकांत में ही, सत्य तक अकेले ही पहुंच पाएंगे, और परमात्मा से मिलन भी एकांत में ही हो पाएगा। तो किसका साथ ढूंढ रहे हैं, और कुछ दूर किसी का साथ हम लेकर चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही, हम जरूर किसी का साथ लेकर चल सकते हैं ताकि चलना आ जाए, ताकि वो चीज क्या है, चलने की कला आ जाए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना साथ बनाए रखें, अपना मशाल खुद लेकर के चलें। तो वही चीज, तो लास्ट ये कि अकेले ही वो जो है कि बजेगी संगीत, जब हम वो अनाहत नाद अपने अंदर का भीतरी संगीत कब सुन पाते हैं, जब हम एकांत में होते हैं, जब हम अकेले में होते हैं, जब हम गहरे ध्यान में होते हैं और अपने अंदर के इनर साउंड को हम सुन पाते हैं, तो वो घटित हो पाता है। तो वो एकांत में, एकांत में ही बजेगी संगीत और एकांत में ही घटेगी समाधि, एक और उसी एकांत में आप भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, कोई दो भी नहीं, अब
अब जो हम ये शरीर और आत्मा कह रहे हैं, अब वो भी नहीं, अब वो दो भी नहीं रहेगा, बस वो एक ही रह जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो एक भी नहीं, शून्यता, एकदम जो साइलेंस, शून्यता, सन्नाटा, वो घटित हो जाएगा। तो आपको अपना दीपक खुद ही बनकर अपने आप को रोशन करना पड़ेगा। तो ये है भगवान गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश,